है ना। तो वो ये होगी कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई रैशनल फंक्शन लिखा है, रैशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा है, जहाँ पे एफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ना, और जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री जो है वो एम है और इसकी डिग्री जो है वो एन है। तो ऐसे करके दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपको पता है कि dx अपॉन x माइनस ए हो तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ln मॉड x माइनस ए। आपको पता है dx अपॉन x माइनस ए की पावर n आ जाए तो आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एन इंटू एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन, सही है ना। फिर आपको पता है कि अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, हाँ, फिर आपको पता है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए तो आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं, बताओ, बोलो भाई, ये भी एक सॉल्व इंटीग्रेशन है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं इस रैशनल फंक्शंस को अपने नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करने में। तो हम अपने इस रैशनल फंक्शन को इन नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं और फिर इन नॉन इंटीग्रेशन का हम आराम से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं, बात समझ में आ गई, कि अपने रैशनल फंक्शन को नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करने में, ठीक है। अच्छा, अब कहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे, ऑब्वियसली जैसे मान लो एफ एक्स बाई जी एक्स का लीनियर रैशनल फंक्शन है और अगर आपने कहा कि एम की डिग्री एन से कम है तो आप इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो अब ये क्या होगा, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन आप इसमें यूज करेंगे। आप डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज कर लेंगे। बट अगर इसी में क्या हो कि ये एफ एक्स बाई जी एक्स फंक्शन लिखा हो और आपको ये दिख रहा हो कि ये जो m है वो n से बड़ा या उसके बराबर है, मतलब इस वाले टर्म की जो एफ एक्स की डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री के बराबर या उससे बड़ी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्यूसेंट टाइम्स ये पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर इसमें एक रिमाइंडर आएगा और बाई जी एक्स आ जाएगा। अब जो ये रिमाइंडर आएगा ये भी एक पॉलीनोमियल आएगा और इसकी डिग्री जो आएगी वो आर आएगी, जहां पे इस आर की वैल्यू 0, 1, 2 से लेके एन माइनस वन तक कुछ भी होगी, है कि नहीं, कि इसकी डिग्री क्या होगी एन, और तब तक डिवीजन होता रहेगा जब तक इसकी डिग्री एन से कम नहीं हो जाएगी। और जैसे ये वाला टर्म आएगा इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और ये तो आराम से आप सीधा इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं भाई, तो कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट यूज होगा और कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन डिवीजन के बाद यूज होगा, ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, डिवीजन करने पर ये तो एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ही आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा तो ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन आएगा, इसका तो इंटीग्रेशन आप सीधा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे और ये आराम से आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया, हाँ, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्यों करेंगे, अपने रैशनल फंक्शन को नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक करने में, जिनकी हेल्प से हम उसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर पाए। कब हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जब एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से कम होगी। कब हम पहले डिवाइड करेंगे, जब एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री के बराबर या उससे बड़ी होगी, तो पहले जी एक्स से एफ एक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर बाई जी एक्स आएगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप की चीजें आपके सामने आएंगी, वैसे पार्शियल फ्रैक्शन के जनरल कॉन्सेप्ट कई सारे हैं बट तीन कॉन्सेप्ट में आप चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहला जो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप होगा उसमें क्या होगा, जो जी एक्स फंक्शन होगा उसको हम लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते होंगे, कैन बी रिटन एज लीनियर फैक्टर, मतलब इसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते लिख सकते होंगे, ठीक है। जैसे यहां हमने एफ एक्स लिखा और यहां हमने लीनियर फैक्टर लिखे,
तो हमने लिखा x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। तब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका होगा, अच्छा ये जो क्यूबिक होगा, जो एफ एक्स की डिग्री होगी वो 2 0 1 कुछ भी हो सकती है, बट 3 नहीं होगी। 3 होते ही पहले डिवाइड होगा, 3 या 3 से बड़ी होती है पहले क्या होगा, डिवीजन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका होता है ए अपॉन एक्स माइनस बी, बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये लिखने का तरीका हो गया। अब आपका अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे, तीनों नॉन इंटीग्रेशन के फॉर्म है, आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब हमारा काम सिर्फ हमें ए बी सी की वैल्यू निकालने पे है। अच्छा, वो वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। तो एफ एक्स अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, वो एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी और सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब या तो तरीका है इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 हो सकती है, और यहाँ पे 2 डिग्री के टर्म है, तो एक तो तरीका ये हो गया कि दोनों साइड आप कंपेयर कर दो, किसको, एक्स स्क्वायर को, एक्स को और कॉन्स्टेंट को, और एबीसी में 3 इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर लो। बट उससे आसान मेथड ये है कि आप एक्स की वैल्यूज रख लो, जैसे एक्स को सबसे पहले ए रख लो, जैसे आप एक्स को ए सब्स्टिट्यूट करोगे ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे ही जीरो हो जाएंगे यहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी। इसके बाद आप एक्स को बी सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे ही बी सब्स्टिट्यूट करोगे ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और यहाँ से सीधा बी की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ बी अपॉन, हाँ भाई, बी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ऐसे एक्स को सी रख लो, जैसे आप सी रखोगे तुरंत सी की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी। अब ए बी सी आ गए, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हाँ है ना, पूरे टर्म को 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अब जहाँ जैसा यूज करना होगा इसको यूज कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो? ए बी सी की वैल्यू रख के आप कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखो, यही काम हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, यही काम हम शॉर्टकट में करेंगे जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसी को हम शॉर्टकट में लेंगे, सही है ना? अब शॉर्टकट में क्या करेंगे वो देख लो, जब हम यही काम शॉर्टकट में करेंगे तो शॉर्टकट में क्या करेंगे वो देख लो, ठीक है ना? देखिए, जब हम एक्स को ए रख रहे थे तो ये दोनों टर्म जीरो हो जा रहे थे और सीधा ए की वैल्यू निकल आ रही थी इस एक्सप्रेशन से, दिख रहा है ना? तो हम जब ए निकालना रहेगा हमको, ये काम अब लीनियर फैक्टर के टाइम पे ही करेंगे केवल, जब हमको ए निकालना रहेगा तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे बी और सी हमारे पास नहीं है, ठीक है? एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल करेंगे और एक्स की वैल्यू को ए रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए ए माइनस बी ए माइनस सी, दिखा? अच्छा, सपोज हमें बी निकालना है तो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए ए और सी वाले टर्म नहीं है, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल करेंगे और एक्स को क्या रख देंगे, बी। देखो, एफ ऑफ बी बी माइनस ए एंड बी माइनस सी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमें सी निकालना रहेगा तो मान लेंगे ये दोनों टर्म हमारे पास नहीं है, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी को कैंसिल करेंगे और सीधे क्या रख देंगे, एक्स को सी। देखो, एफ ऑफ सी सी माइनस ए सी माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? शॉर्टकट क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बोलो? यस सर। तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, सीधा इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या पुट कर दिया करेंगे, बोलो? सीधा ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे, शॉर्टकट में भाई हम सीधा ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे, हाँ है ना? और क्या क्या पुट करेंगे इसके लिए, हम एक बार सीधे क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए, इसके लिए सीधे क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू बी, और इसके लिए सीधे क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू सी, सही है? बोलो भाई, जब ये एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे तो पहले क्या कर लेंगे, एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से हटा लेंगे, जब बी पुट करेंगे तो एक्स माइनस बी को एक्स माइनस बी से हटा लेंगे, और जब सी पुट करना होगा तो एक्स माइनस सी को एक्स माइनस सी से हटा लेंगे, और सीधा सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही वैल्यू आ जाएंगे और सीधा आंसर आ जाएगा, क्लियर है? चलिए, अब आइए जरा क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, तो इसको सबसे पहले अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके क्या लिखोगे, बोलो भाई? हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स माइनस वन और सी अपॉन एक्स प्लस वन। अब बताओ, ए बी सी की वैल्यू के लिए सबसे पहले ए निकालो, ए के लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे ये दोनों नहीं है, हाँ या ना?
एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे बताओ। जैसे जीरो। जीरो रखोगे तो क्या आएगा, देखो ए की वैल्यू तुरंत क्या मिल जाएगी हमें, -1। समझ में आ गया होगा, बोलो भाई। ऐसे ही यस अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे, एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, यस सर। ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे अगर हमें सी निकालना रहेगा तो इन दोनों को निगलेक्ट मार देंगे, एक्स +1 से एक्स +1 कैंसिल करेंगे और एक्स की वैल्यू को क्या रख देंगे, -1। अरे हाँ या ना में जवाब दो, तो ये भी 1 आ जाएगा कि नहीं। देखो तो ए की वैल्यू -1 आ गई, बी और सी दोनों 1 और 1 आ गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। अब आप अपने यस इसको सर। तो तुरंत 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। पहला आएगा dx बाई एक्स, दूसरा आ जाएगा dx बाई एक्स -1 और तीसरा आ जाएगा dx बाई एक्स +1। अब आराम से तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। पहला आ गया ln mod x, दूसरा आ गया ln mod x -1, तीसरा आ गया ln mod x +1 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। मेरे यस हिसाब से मैथड सर। क्लियर हुआ होगा एकदम, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा, हाँ या ना ये। बट ये जो एबीसी निकालने का तरीका है शॉर्टकट है, जब आप स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले वो इक्वेशन बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं क्या करोगे, अगर आप यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, बोलिए भाई। सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर +1 को क्या लिखेंगे, ए इंटू एक्स -1 एक्स +1, बी इंटू एक्स एक्स +1 और सी इंटू एक्स एक्स -1। फिर इसमें एक्स की वैल्यू को 1 बाई 1 क्या पुट करेंगे, 0, तो ए आ जाएगा। फिर एक्स को क्या पुट कर देंगे, 1। मेरी बात समझ में आ रही है, तो बी आ जाएगा। फिर एक्स को क्या पुट कर देंगे, बोलो भाई, -1 -1 ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ये काम आप तब करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं भाई, और फिर सिंपलीफाई करेंगे। ये स्कूल लेवल का काम है, ये आप ऑब्जेक्टिवली डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, बोलो। यस सर। तो आराम से पूरा इंटीग्रेशन 3 नोन पार्ट में ब्रेक होगा और आराम से आप इसको सिंपलीफाई कर ले जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आई, लीनियर फैक्टर आने पे कैसे ब्रेक करेंगे, आराम से ब्रेक करके सब लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, बोलो, बोलिए भाई, कर लेंगे कि नहीं, यस मैं भी साथ में सॉल्व करूं। तो सबसे पहले आप 1 अपॉन x -1 x+1 और 2x+3 लिखेंगे, देख लो ध्यान से, यही लिखोगे तो ये a अपॉन x -1, ये b अपॉन x+1 और ये शायद c अपॉन 2x+3 आएगा। एम आई करेक्ट और नॉट, देखो जरा सब लोग, सही लग रहा है मुझे, हाँ या ना बताओ। यस सर। अब जरा इसको ब्रेक करोगे तो a की वैल्यू के लिए क्या पुट करोगे, एक्स को सीधा क्या रख दोगे, इन दोनों को निगलेक्ट मारोगे और एक्स को सीधा क्या रख दोगे, 1 रखो जरा, एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल करोगे और एक्स को 1 रख दोगे, ए कितना आ रहा है, 2 × 5 1/10 आ रहा है क्या ये। बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन दोनों को हटाओगे, जीरो आ एक्स गया। +1 से एक्स +1 कटोगे और एक्स को सीधा क्या रख दोगे, बोलो, -1 रख दोगे, तो क्या आ रहा है बी, -2 × 1, तो क्या ये -1/2 आ रहा है, चेक करो। यस सर। इसके लिए क्या करोगे, इन दोनों को निगलेक्ट मारोगे, 2x+3 से 2x+3 कैंसिल करोगे और एक्स को क्या रख दोगे, -3/2 रखो जरा, तो आ जाएगा 1 अपॉन -5/2। और भाई ये वाला टर्म तो कैंसिल हो चुका होगा ना, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और जैसे ही इसमें रखोगे -3/2 तो शायद -1/2 बचेगा, तो क्या ये 4/5 आ रहा है, चेक करियो जरा। अब पूरा इंटीग्रेशन तुरंत 3 पार्ट में ब्रेक होगा, 1/10 dx/x -1, -1/2 dx/x+1 और +4/5 dx/2x+3। अब आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/10 ln mod x -1 -ln mod x+1 whole/2 और प्लस का 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, तो 2/5 ln mod 2x+3 प्लस सम कांस्टेंट सी। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए मेरे साथ। तो सीधा आप इसको ब्रेक कर देंगे क्या, x²+1 अपॉन x -1 x -2 x -3,
is equals to a upon x minus 1, b upon x minus 2 and c upon x minus 1. तो a की वैल्यू के लिए a1 = -5 = 5 कैंसिल करेंगे और a को 1 रख देंगे. तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 plus 1 2 upon minus 1 minus 2. a की वैल्यू क्या 1 आ रही है? यस सर. यस सर. d के लिए दोनों को नेगलेक्ट मारेंगे, x minus 2 से x minus 5 और 2 को रख देंगे जरा. तो ये 5 upon minus 1 2 रखना है ना, तो 1 minus 1 है ना, ये माइनस वन और वन ना भाई, मतलब माइनस फाइव आ जाएगा ना. यस सर. यस सर. वैल्यू के लिए क्या करोगे, इन दोनों को नेगलेक्ट मारोगे, एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री कैंसिल करोगे और एक्स को थ्री रख दोगे. एन अपॉन थ्री माइनस वन टू और थ्री माइनस टू वन, ये फाइव आ रहा है क्या, देखो जरा. यस सर. यस सर. आगे अब पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. पहला हो गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ भाई, माइनस फाइव डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, और तीसरा क्या हो जाएगा, फाइव डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री. तो सीधा आंसर क्या आएगा, एल एन मॉड एक्स माइनस वन माइनस फाइव एल एन मॉड एक्स माइनस टू प्लस फाइव एल एन मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, और यही आपका आंसर आ जाएगा. देख लीजिए कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो तो. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको. बोलिए भाई, सबसे पहला काम आप लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे. तो यहाँ से डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, डी टी बाई एक्स, डी एक्स की जगह क्या रख दोगे, डी टी बाई टू. अब वन बाई टू पूरे से बाहर आ गया और डी टी की जगह क्या आ जाएगा, टी माइनस वन टी प्लस टू एंड टी माइनस थ्री. अब क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, जल्दी से ब्रेक करके आंसर मैच करो इसका. तो अब जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो सिर्फ इतने पोर्शन का करना है, किसका, टी माइनस वन टी प्लस टू एंड टी माइनस थ्री का. तो हम इसको आराम से लिख देंगे, ए अपॉन टी माइनस वन बी अपॉन टी प्लस टू एंड सी अपॉन टी माइनस थ्री. क्या ये बात सबको दिख रही है, ये बताओ बस, दिख रही है कि नहीं भाई. और वन बाई टू नहीं लेंगे, नहीं वन बाई टू तो बाद में, इसका केवल इतने का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा है, वन बाई टू तो मल्टीप्लाई है ना. हाँ या ना, अभी तो हम सिर्फ जितने एक पोर्शन का पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं वो देख रहे हैं. हाँ या ना भाई. Yes, sir. आप बताओ a की वैल्यू क्या होगी, सीधे इन दोनों को नेगलेक्ट मारेंगे और t को सीधा 1 रख देंगे. जैसे ही t को 1 रखोगे देखो वैल्यू क्या आ रही है, t को 1 रखते ही 3 माइनस 2 क्या, माइनस 1 बाई 6 आ रही है देखो. यस सर. यस सर. b की वैल्यू क्या आ रही है, तुरंत इन दोनों को नेगलेक्ट मारेंगे और t की वैल्यू इसको इसको कैंसिल करेंगे और t की वैल्यू को माइनस 2 रख देंगे. तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 है ना, और माइनस 2 और माइनस 3 माइनस फाइव और माइनस थ्री क्या, वन बाई फिफ्टीन आ रही है. यस. अच्छा, सी की वैल्यू के लिए तुरंत क्या करोगे, इन दोनों को नेगलेक्ट मारोगे, टी माइनस थ्री से टी माइनस थ्री कैंसिल करोगे और सीधा टी को थ्री रख दोगे. देखो जरा क्या आ रहा है, थ्री थ्री फाइव टेन आ जाएगी. अब पूरा इंटीग्रेशन आराम से तीन पार्ट में ब्रेक करोगे तो पहला वन बाई ट्वेल्व डी टी अपॉन टी माइनस वन आएगा, दूसरा वन बाई थर्टी डी टी अपॉन टी प्लस टू आएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा बताओ, 1 बाई ट्वेंटी डी टी अपॉन टी माइनस थ्री. एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो भाई. अरे हाँ ना, में जवाब दो यार. अब आराम से आंसर आ जाएगा. तो पहला आंसर आएगा एल एन टी की जगह क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू. दूसरा आंसर आएगा एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन थर्टी. तीसरा आंसर आ जाएगा एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई ट्वेंटी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आंसर आएगा. कोई कन्फ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, क्या बोलते हो. यस सर. मतलब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर क्योंकि भाई e की पावर x को तो t मानना, ये तो फील आ रहा होगा ना भाई. अरे हाँ या ना में जवाब दो यार. इसके बाद इसी e की पावर x को t ले लेंगे तो e की पावर x dx क्या आ जाएगा, dt. और पूरा इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक किस में हो जाएगा, dt अपॉन t t माइनस 2 और t प्लस 1 में. अब तो आराम से पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा होगा, बोलो भाई. तो इसी 1 अपॉन टी टी माइनस टू टी प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन में ले लो, ए अपॉन टी बी अपॉन टी माइनस टू सी अपॉन टी प्लस 1. तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, इन दोनों को निगलेक्ट, ये कैंसिल, टी को माइनस 1 बाई 2. बी कितना दिख रहा है बोलो,
क्विक 1/6 ये और ये सी को सीधा जरा 2 रखो यहाँ पे तो कितना आ रहा है 1/6 क्या गुड सी कितना आ रहा है -1/3 अब एबीसी आ गया पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक कर दो पहला हो गया -1/2 dt/t क्या बोलो भाई और दूसरा क्या हो गया दूसरा बोलो भाई 1/6 dt/t-2 और तीसरा हो गया 1/3 dt/t+1 सीधा आंसर -4 नहीं सर सीधा आंसर क्या आएगा ln mod e की पावर x अपॉन 2 और ln mod e की पावर x -2 अपॉन 6 देख लेना आराम से और ln mod e की पावर x +1 अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ये बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा तो बोल सकता है हाँ या ना चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और मेथड्स हैं जब इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो उन मेथड्स को भी देखेंगे क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो कई बार सब्स्टिट्यूशन करके भी आप उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे हाँ या ना समझ रहे हो कि नहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ सब्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन और कर लो अच्छा ये भी क्वेश्चन कभी पूछा ही गया सर जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन है dx अपॉन sin x एंड 1+cos x या 2+cos x करिए जरा सोच रहा भाई पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो अगर हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है तो भाई ऑब्वियसली cos x को t सब्स्टिट्यूट कर ले ऊपर नीचे हम sin x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर आएगा उसको लिख दो 1-cos² और इसको लिख दो 2+cos x अब सब्स्टिट्यूशन फील हुआ कि नहीं cos x को ही क्या सब्स्टिट्यूट कर दो t तो sin x dx तुरंत क्या बन गया -dt और पूरा इंटीग्रेशन क्या चेंज हुआ बताओ dt अपॉन t² -1 × t+2 क्या कहते हो भाई अब ये वही लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं कि नहीं भाई t-1 t+1 बोलो एंड t+2 तो क्या पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक कर पाओगे हाँ या ना समझ yes, समझ पा रहे होगे क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं बोलो भाई समझ पा रहे हो कि नहीं भाई क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं बोलो क्लियर yes, हुआ अब आराम से इसी को ब्रेक कर लो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया 1 upon t-1 t+1 और t+2 को तीन पार्ट में ब्रेक करके लिख दो तो a upon t-1 b upon t+1 और c upon t+2 अब abc की वैल्यू निकाल लो तो a की वैल्यू के लिए क्या करोगे बताओ इन दोनों को हटाएंगे t को 1 रख देंगे यहाँ पे तो सीधे ही आंसर क्या 1/6 आ रहा है देखते जाना b के लिए क्या करेंगे इन दोनों को हटाएंगे और t इसको हटाएंगे और t को -1 रख देंगे तो -2 और -1 तो 1/2 आ जाएगा -1/2 आएगा हम और c के लिए क्या करोगे इन दोनों को हटाओगे t+2 से t+2 कैंसिल करोगे और t को सीधा क्या रख दोगे -2 तो -2 -2 तो -1 यहाँ से आएगा -3 यहाँ से आएगा तो क्या है 1/3 है और एक बार ये तीनों आएंगे तो पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो 1/6 dt upon अब तो आराम से आंसर ही सीधा इसका तो सीधा आंसर भी लिख सकते हो ना बोलो भाई yes. अब सीधा आंसर लिख दो तो क्या आएगा ln mod cos x -1/6 -1/2 ln mod cos x +1/6 और यहाँ पे आएगा +1/3 ln mod cos x +2 प्लस सम कांस्टेंट सी क्या ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ है किसी को कोई डाउट हो तो अपनी बात मेरे सामने रख सकता है बोलो भाई किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात मेरे सामने रख सकता है
अरे हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मतलब कर तो ले ही जाएंगे बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मेथड उसकी बात लेंदी हो गई हमने करा, नहीं नहीं उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप कर तो ले जाएंगे बट उससे थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 10² आ जाएगा एक तो, और फिर यहाँ फोर्थ ऑर्डर आएगा, फिर उससे डिवाइड करेंगे, फिर प्लस माइनस में ब्रेक करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो उससे थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा ना, ये मेथड आसान पड़ेगा इसलिए इससे सॉल्व किया, ठीक है। मतलब अभी भी पूरा जो जीएक्स है वो लीनियर फैक्टर में ही है, बट उसके कुछ लीनियर फैक्टर जो है वो कैसे हैं, रिपीटेड फॉर्म में, जैसे एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लीनियर फैक्टर दो बार आ गया ना, एक्स माइनस बी, तब इसको ब्रेक करने का तरीका होता है भाई, पहला लीनियर फैक्टर ए अपॉन एक्स माइनस ए जैसे ब्रेक होता है वैसे ही होगा, अब बी इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखेंगे, बी अपॉन एक्स माइनस बी, बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा यहीं पर अगर ये क्यूब तक जा रहा होता तो a अपॉन x माइनस ए, b अपॉन x माइनस बी, c अपॉन x माइनस सी, और यहाँ पे एक टर्म और ले लेते हैं क्या, d अपॉन x माइनस बी का होल क्यूब, क्या है ब्रेकिंग समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे अगर ये पावर फोर तक जा रहा होता सोचो, मतलब ऐसे अगर ये टर्म है ये लिखा होता एफ एक्स अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको ब्रेक क्या करते बताओ, a अपॉन x माइनस ए, हाँ भाई b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर c अपॉन x माइनस बी, d अपॉन x माइनस बी का स्क्वायर एंड e अपॉन x माइनस बी का होल क्यूब एंड सो ऑन, ये ब्रेकिंग समझ में आ रही है कैसे हो रही है बताओ, हाँ या ना, क्लियर है भाई ये ब्रेकिंग, yes, sir. ऐसे ब्रेक करेंगे उस समय जब लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में होंगे, तब पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कैसे ब्रेक करेंगे ये समझना है। अब बात आती है कि भाई एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने का तरीका तो वही सिंपल सा है, सीधा सीधा आप क्या करोगे बताओ, बोलो कैंसिल करके भाई एलसीएम ले लेंगे और एबीसी की वैल्यू रख के सीधा सिंपलीफाई कर देंगे, अरे हाँ या ना में जवाब दो यार भाई, शॉर्टकट लगेगा ना अभी तो देखो ना पहले, हाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं बट जिसकी जरूरत है नहीं, जितना काम शॉर्टकट लगाने में करोगे वो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना तीसरी वाली, मतलब शॉर्टकट जहाँ लगा सकते हैं वहां बताऊंगा, यहाँ पे कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ तक लगाना सेफ है वो भी बताता हूँ, वो तो तरीका समझ में आया ना, एफ एक्स निकाल लेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और सी इंटू एक्स माइनस ए, ये तो लिख लोगे ना, अब देखो जैसे आप कंपेयर करो या तो कोफिशिएंट या वैल्यू रखो, एक वैल्यू तो x की a दिख रही होगी b, जैसे b रखोगे a निकल आएगा कि नहीं बताओ, अरे हाँ या ना में जवाब दो, फिर आपको दूसरी वैल्यू दिख रही होगी a, जैसे x को a रखोगे अब क्या होगा बोलो, सॉरी b रख पहले a रखो, पहले a रखो x को a रखो, तो a रखते ही ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो सीधा a निकल आया कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई, अरे बोलो यार, उसके बाद x को b रख दो, b रखते ये दोनों टर्म जीरो हो गए, हाँ या ना, सीधा c निकल आया कि नहीं बोलो, अच्छा इसके बाद x की अपने आप को ये एक वैल्यू k1 रख दो है ना, और इक्वेशन बना लो किसमें, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, सही है ना, इसके बाद इसमें क्या करो, पुट ए एंड सी और उसके बाद फाइंड कर लो किसको, बी को, ए बी सी आ गया, पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, तरीका समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकते, अब देखो जो लीनियर फैक्टर वाला शॉर्टकट था उसको हमने कैसे ऑप्ट किया था, हमने क्या किया था, जैसे लीनियर फैक्टर वाला जो शॉर्टकट आपने सीखा था उसमें जरा वापस से आओ, देखो यहाँ पे हमने शॉर्टकट में आपसे क्या कहा था, इन दो फैक्टर को निगलेक्ट मारेंगे और x माइनस ए से पूरा x माइनस ए कैंसिल करेंगे और फिर x को a रख देंगे, तो यहाँ पे x माइनस ए का कोई टर्म बचेगा नहीं, तो सीधे वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल और x को a रख देने से आंसर आ जा रहा है, यहाँ पे पूरा x माइनस बी स्क्वायर से x माइनस बी स्क्वायर कैंसिल और x को b रख देने से आंसर आ जा रहा है,
सी की वैल्यू, बी की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे ना, क्योंकि एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी का एक ही पोर्शन कैंसिल होगा, और आप एक्सपेंशन रखोगे तो वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल पाएगी, इनफाइनाइट ले जाएगा ना उसको, समझे कि नहीं। तो आपको ये एक्सप्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा। अब जब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर ये सीधा दो वैल्यू रखे के यही काम क्यों नहीं करेंगे, हाँ या ना, क्यों? क्योंकि हमें ये काम तो के वैल्यू रख के करना ही है, बोलो। तो इसमें यही वाला एक्सप्रेशन लिख लो शॉर्टकट, ये दोनों वैल्यू शॉर्टकट निकाल के कोई खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, वही काम आप यहाँ भी करोगे। अब ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए होगा इसके लिए नहीं, तो इसीलिए इसका एक्सप्रेशन को आप इस केस में लिख लेंगे, यहाँ आप डायरेक्ट शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आया? हाँ, ये ना काम वही शॉर्टकट वाला ही है भाई, क्लियर है? बोलो, दो वैल्यू जो डायरेक्ट फैक्टर से मिलनी होंगी वो रखेंगे तो दो कांस्टेंट सीधे निकल आएंगे। एक कांस्टेंट के लिए कोई भी एक आर्बिट वैल्यू रख देंगे ए और बी छोड़ के, तो ए बी सी में इक्वेशन बन जाएगी और तीसरा कांस्टेंट निकल आएगा। एक बार तीनों कांस्टेंट आ जाएंगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करके सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस क्लियर हुआ? आगे बढ़ू मैं एग्जाम्पल में? बोलो भाई। यस सर। चलिए जैसे अब ये क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ए बाई एक्स, बी बाई एक्स प्लस वन, सी बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। उसी को एलसीएम लेके लिख लोगे, ए इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बी इंटू एक्स एक्स प्लस वन और सी इंटू एक्स, सही है? अब एक बार एक्स की वैल्यू को क्या रखोगे, बोलो भाई? जीरो। तो आपको सीधा ए मिल जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो, वन। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू को क्या रख दोगे बताओ? माइनस वन। अरे बोलो यार, तो माइनस वन रखो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, सीधा सी मिल जाएगा, कितना मिलेगा? माइनस टू। फिर आप एक एक्स की वैल्यू को अपने हिसाब से रख लो, तो वन आसान वैल्यू है, वन रख लेते हैं। जैसे ही वन रखोगे क्या मिलेगा? वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू का होल स्क्वायर फोर ए, वन रखा तो टू और वन रखा सी। हमें ए और सी की वैल्यू पता है तो क्या हम सीधा टू भी निकाल सकते हैं? बोलो भाई। तो यहाँ से टू बी की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? जीरो। क्या जीरो आ रहा है? देखो बी जीरो आ रहा है। अब ए बी सी तीनों आ गए कि नहीं? अब पूरे इंटीग्रेशन को वही तीन पार्ट में ब्रेक कर दो। तो पहला हो गया डी एक्स बाई एक्स, बी वाला तो जीरो ही हो गया, और दूसरा हो गया माइनस टू डी एक्स बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया कि नहीं? ये आ गया एल एन मॉड एक्स, ये आ गया टू अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस सम कॉन्स्टेंट, यही आपका आंसर हो गया। देखा भाई कितनी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया, बोलो भाई। चलिए, तो इसको ब्रेक करके आपने लिखा होगा, अगर मैं 4x की बात करूं तो 4x अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको आपने ब्रेक किया होगा a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स माइनस वन, c अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या यही किया है सबने? Yes, sir. इसके बाद इसमें एक रिलेशन आपने लिखा होगा 4x is equal to a into x minus 1 का होल स्क्वायर, b into x plus 1 x minus 1 और c into x plus 1। फिर एक तो x की वैल्यू आपने रखी होगी क्या? 1। देखो सबसे पहले माइनस 1 रख दे क्या? माइनस वन रखते ही ए कितना आ गया बताओ भाई? माइनस वन क्या? फिर एक्स को वन रख दो तो सी आ गया होगा, सी कितना आ रहा है बताओ? वन रखने पे, बोलो भाई। फिर एक बार एक्स को जीरो रख दो, आसान सी वैल्यू मिल रही है, ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस सी मतलब वन। अब ए बी सी आ गया, आराम से इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक कर दो। तो पहला हो गया डी एक्स बाई एक्स प्लस वन और दूसरा हो गया डी एक्स बाई एक्स माइनस वन और तीसरा हो गया टू डी एक्स बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आराम से सॉल्व कर दो। तो पहला आ गया एल एन मॉड एक्स प्लस वन, दूसरा आ गया एल एन मॉड एक्स माइनस वन और तीसरा आ गया माइनस टू बाई एक्स माइनस वन प्लस टू। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।
बोलो भाई, किसी वैल्यू में कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, ब्रेकिंग वैल्यू आप निकालो जल्दी मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ए अपॉन एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स माइनस टू सी अपॉन एक्स माइनस टू स्क्वायर और डी अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब, ये लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस टू है सर, एक्स क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा क्यूब है क्या? ओके, यहाँ पे आएगा x माइनस टू का स्क्वायर x माइनस वन, यहाँ पे आएगा x माइनस वन x माइनस टू और यहाँ पे आएगा x माइनस वन। अब एक बार x को तो वन रख देंगे, एक बार x को टू रख देंगे, ये तो दो आसान सी वैल्यू है। हाँ या ना बोलो, बोलो भाई। तो जब वन रखोगे तो a सीधा निकल आएगा, कितना आ रहा है, थ्री माइनस थ्री। बोलो यस सर। जब टू रखोगे तो सीधा मेरे हिसाब से डी निकल आएगा, डी निकल आएगा। डी कितना आ रहा है, टेन टेन। इसके बाद एक बार एक्स को जीरो रख लो तो एक रिलेशन आएगा, क्या आ रहा है वो रिलेशन जरा बताओ, माइनस एट ए और माइनस फोर बी, चेक करते जाना, प्लस टू सी माइनस बी इक्वल टू टू। और एक बार एक्स को माइनस वन रख लो, जब माइनस वन रखोगे तो माइनस ट्वेंटी सेवन ए माइनस टू माइनस थ्री सिक्स बी माइनस टू, नहीं 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 सिक्स नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा शायद, देखो नाइन माइनस एटीन आएगा क्या, चेक करिएगा। बोलो भाई, और यहाँ पे जरा माइनस वन रखो तो ये शायद सिक्स ही आएगा और ये माइनस टू डी, और यहाँ माइनस वन रख दोगे तो ये वैल्यू वन आ जाएगी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तो पहली इक्वेशन में ए को माइनस थ्री और डी को टेन रख दो जरा, तो देखो क्या आ रही है इक्वेशन। ए को माइनस थ्री रखो और डी को टेन रखो, देखो तो ट्वेंटी फोर माइनस टेन फोर्टीन ट्वेल्व, पहली इक्वेशन आएगी टू बी माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स, देखो जरा ध्यान से। और यहाँ जरा माइनस थ्री और टेन रखो, रखो जरा ट्वेंटी एट्टी वन, एट्टी वन माइनस ट्वेंटी सिक्सटी वन सिक्सटी सिक्स। दूसरी इक्वेशन शायद आती है थ्री बी माइनस थ्री इक्वल टू टेन, देखो दोनों को सॉल्व करके शायद बी की वैल्यू आ जाती है फोर और सी की वैल्यू आ जाती है टू, देखो यस सर, भाई सारी वैल्यू निकाल ली मैंने। हाँ या ना, अब इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक हो जाता है। तो पहला आ जाता है एक्स माइनस वन और दूसरा हो जाता है एक्स माइनस टू, फिर तीसरा हो जाता है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और लास्ट हो जाता है टेन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अब तो आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहे हैं, एल एन मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स, फिर फोर टाइम्स ऑफ एल एन मॉड एक्स माइनस टू, फिर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू और माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। देखिए ये आंसर आ रहा है फाइनली, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताओ। हाँ या ना बोलो, है ना। अब आपका जो तीसरा सेक्शन है उसमें जी एक्स में क्या होगा, कुछ लीनियर फैक्टर होंगे और अदर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड सो ऑन, हायर ऑर्डर के फैक्टर होंगे, हायर डिग्री वाले,
तब पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का एम ध्यान रखिएगा, अपने इंटीग्रेशन को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर x माइनस ए को ब्रेक करेंगे तो a अपॉन x माइनस ए आएगा, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को ब्रेक करने के लिए ऊपर बी एक्स प्लस सी लिख लेंगे। अब यहीं पे अगर क्यूबिक फैक्टर होता तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या लिख देते, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन वही वाला क्यूबिक फैक्टर लिख देते, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यों? क्योंकि इसको टी मानेंगे तभी तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बन के वो ब्रेक होकर सॉल्व हो पाएगा ना। तो हम अल्टीमेटली अपने इंटीग्रेशन को ऐसे पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं जिससे हम उसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर पाए। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके ऊपर क्या लिख देंगे, लीनियर फैक्टर बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। अब ए बी सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हाँ है ना, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही एलसीएम वाला तरीका फिर से ऑप्ट कर लेंगे। अरे हाँ है ना, हमें जवाब दो यार। Yes. और फिर से वही वैल्यू रख देंगे तो फिर से भाई डायरेक्ट ए निकाल सकते हो कि नहीं, जैसे एक्स को ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और सीधा ए की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी कि नहीं, बोलो भाई, हाँ या ना। बाकी yes, कोई भी दो वैल्यू आप अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर लो। मान लो हम एक्स को एक बार के वन रख देते हैं और एक बार क्या रख देते हैं, के टू, और फिर क्या कर सकते हैं, फॉर्म टू इक्वेशंस किसमें, बी एंड सी में, क्योंकि ए तो आपको पता है ना, या ए बी सी तीनों में ही लिख लो, ए बी एंड सी में, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ए और सॉल्व कर लेंगे क्या, बी एंड सी, बी और सी आ जाएंगे। पूरे इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है वैसे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को ब्रेक करके सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये बताओ, बोलो। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं तो ज्यादा तेजी से चीजें क्लियर होंगी हमें कि क्या ब्रेक करना है और कैसे ब्रेक करना है। बोलो भाई, समझ पाए? चलिए जैसे ये क्वेश्चन आई है, ये ब्रेकिंग कैसे सोच रहे हैं, समझ में आया, ऐसा ही क्यों सोचा है, समझ में आया ना सबको, बोलो भाई। चलिए अब आइए जरा, जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है dx by x cube plus 1 पे, तो x cube plus 1 को हम x plus 1 x square minus x plus 1 में कर सकते हैं, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसी को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 upon x plus 1 into x square minus x plus 1, तो a upon x plus 1 लिखेंगे, dx plus c upon x square minus x plus 1 लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ ना, हमें जवाब दो यार। यस सर। अच्छा सर, इसकी का ब्रेकिंग बता दीजिए, समझ में नहीं आ रही सर ब्रेकिंग किसकी बेटा, ये सर इसी टाइप क्वेश्चन की, ये यस सर, इसको bx + c वाली सर, इसको लीनियर बाई एक लीनियर टर्म ऊपर बना लिया, bx + c अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के नीचे ऊपर लीनियर रखेंगे, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं ना, और जब नीचे क्यूबिक होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक रखेंगे। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, यस सर। क्यों ये किया है, क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं ना लीनियर को ब्रेक करके। यस सर। नहीं समझ रहे हो? समझ गए सर। यस सर। अब आओ एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो वही काम कर लो, दिस प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, तो ए तो डायरेक्ट निकल आएगा, एक्स को जैसे ही क्या पुट करोगे, माइनस वन, देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन बाई थ्री आ रही है क्या। यस सर। इसके बाद एक बार एक्स को जीरो पुट कर लो और एक बार एक्स को मेरे हिसाब से माइनस वन पुट कर लो, क्योंकि यही वैल्यू हमने यूज नहीं, प्लस वन, अच्छा माइनस वन तो यूज करते हैं, प्लस वन रख लो, रखो जरा, जीरो रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ए प्लस सी क्या इक्वल टू वन, तो यहाँ से सीधा सी की वैल्यू क्या आती है बताओ, टू बाई थ्री क्या, और जब इसको क्या रख लोगे, वन रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो भाई, ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू वन आ रहा है क्या, देखो जरा, और ए को रखोगे वन बाई थ्री, इसको रखोगे टू बाई थ्री, फाइव बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, तो क्या इसकी वैल्यू वन बाई थ्री आ रही है, चेक करिए जरा, b की वैल्यू क्या माइनस वन बाई थ्री, तीनों आ गए। अब इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक होगा, पहला ब्रेक क्या होगा, वन बाई थ्री
dx upon x plus 1 आराम से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ब्रेक क्या होगा बोलो भाई, माइनस x प्लस 2 बाई 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू dx, हाँ या ना बताओ, दिख रहा है कि नहीं भाई बोलो, कैसे सिंपलीफाई किया दिखा सबको। इस वाले इंटीग्रेशन को हमने क्या मान लिया, i1, d और c की वैल्यू रख के इसको दो पार्ट में ब्रेक किया और इस वाले इंटीग्रेशन को i1 मान लिया। अब ये तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो गया, और लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है ना आपका, लीनियर को a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट, a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू रख के इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसको t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव तो ये ln में आ जाएगा, इसको x स्क्वायर वही a वही लीनियर का स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे और tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे तो सीधा ये आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 ln mod x plus 1 minus 1/6 ln mod x square minus x plus 1 plus 1/√3 tan inverse 2x minus 1/√3 और सम कांस्टेंट सी, ये फाइनल आंसर आ जाता है। चेक कर लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो इसको a अपॉन x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो लीनियर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखेंगे, हाँ है ना। ये ब्रेक लिखेंगे, अब क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, सबसे पहले x की वैल्यू को शायद 1 रखेंगे तो वहां से a निकल आएगा, देखो जरा 2 आता है क्या ये, फिर एक बार x की वैल्यू को 0 रख देंगे तो 8 इज इक्वल्स टू 5a माइनस c आ जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू निकल आएगी, देखो 2 आती है शायद, हाँ या ना। फिर एक बार x को माइनस 1 और रख लो, तो माइनस 1 रख देंगे तो 11 6 इक्वल टू 6 माइनस 2 4 और माइनस 1 रखा है क्योंकि हमने तो माइनस 2 साथ में आ जाएगा c माइनस बी, देख लो आराम से, फिर यहाँ पे a और c की वैल्यू रख दो तो 12 6, तो क्या c की वैल्यू देखो जरा क्या आ रही है, 3 आ रही है, चेक करिए जरा a b c की वैल्यू चेक करके बताओ सही लिखा है, देख लो भाई आराम से, हाँ भाई सही लिखा है, हाँ देख लो शायद माइनस 3 है, 3 आ रही है शायद, चेक करो 3 आ रही है, माइनस 3 3 आ रही है, अब इंटीग्रेशन आ रहा है, बी 1 आ रहा है क्या, हाँ सर 1 यस सर 1 आ रहा है, यस अच्छा ये वैल्यू क्या गलत निकाल दी, हाँ यहाँ पे रखेंगे ना, हाँ गलती निकाल दी मैंने, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 2 ना, हाँ 1 आ रहा है ना, सॉरी की वैल्यू 1 आ रही है, सॉरी मैंने गलत निकाल दी, हाँ अब देखो ये dx अपॉन x प्लस 1 में ब्रेक होगा और दूसरा ब्रेक क्या करोगे, x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx, दिख रहा है कि नहीं सबको बोलो, अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब इसी को ए बी सी में ब्रेक करना जरा, तो ये शायद डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आता है और ये शायद ए की वैल्यू 1/2 आती है और ये आता है 2x प्लस 2, देखो जरा आराम से एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 और सी की वैल्यू शायद इसमें जो ब्रेक करेंगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आती है 1, तो ये आ जाता है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, वही मैंने काम किया है भाई, x प्लस 2 को a इंटू 2x भाई लैम्डा इंटू 2x प्लस 2 प्लस म्यू लिख दिया है,
यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हाफ आ गई और म्यू की वैल्यू वन आ गई, चेक कर लेना आराम से। दिखा क्या, अब आराम से सारे इंटीग्रेशन आ रहे हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन ln x प्लस 1, इसको t मानेंगे ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, मेरे हिसाब से आंसर यही है, किसी को डाउट आ रहा हो तो प्लीज इन्फॉर्म करो। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस x स्क्वायर को x की तरह ट्रीट करते हैं, हम कह देते हैं कि भाई x स्क्वायर नहीं, यहाँ x ही लिखा है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, हम ये मानते ही नहीं कि यहाँ x स्क्वायर लिखा है, हम ये क्या मान लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है बताओ, x लिखा है। अब सोचो अगर यहाँ पर x स्क्वायर की जगह x लिखा होता तो क्या हम x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते थे? Yes. तो वैसे ही हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 3, हम x स्क्वायर को x की तरह देख रहे हैं, तो इसको x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या हम abc की वैल्यू शॉर्टकट से निकाल सकते थे बताओ, अगर ये x होता तो? बोलो भाई, डोमेन ओमेन में मत जाना कि सर x स्क्वायर को माइनस 1 कैसे लेंगे, ना ये x स्क्वायर नहीं है, हमें क्या दिख रहा है अभी, ये x हमें क्या दिख रहा है अभी, x हमें क्या दिख रहा है अभी, ये x। अब आओ जरा इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो a निकालने के लिए हम सीधा क्या करते हैं, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और x स्क्वायर की जगह यहां क्या रख देते हैं, इसको कैंसिल करके माइनस 1 रख दो, क्या आएगा बोलो भाई, क्या आएगा भाई, 1 इंटू 2, 1 बाई 2 आ जाएगा। ऐसे b निकालने के लिए इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और x स्क्वायर को क्या रख देते हैं यहाँ पे कैंसिल करके, माइनस 2 रख सकते हैं कि नहीं भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ रहा है क्या, माइनस 1 आ रहा है, सही लिख रहा हूँ मैं। ऐसे ही c निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भूल जाते हैं और x स्क्वायर x स्क्वायर 3 कैंसिल करते हैं और x को क्या रख देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को माइनस 3। अब ये मत कहना कि सर वो मैं डोमेन का इशू अपनी जगह, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नहीं क्या सोच के चल रहे हैं एक्स, तो हम माइनस 3 रख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो माइनस 2 माइनस 1 तो फिर से हाफ आ जाता, अरे हाँ या ना में जवाब दो। अब आराम से ये वैल्यू तीन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाता, देखो जरा ध्यान से क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। Yes. और अब ये तीनों इंटीग्रेशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया, बट एक्स स्क्वायर वाले जो फंक्शन है उसको हमने एक्स की तरह ट्रीट कर लिया है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। अब आराम से आंसर लिखो, 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, यहां से 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स एक्स बाई रूट 2, यहां से 1 बाई 2 रूट 3 tan इनवर्स x by root 3 और सम कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर आ जाता सर। बात हाँ बेटा, सर यहाँ x स्क्वायर की जगह x कोर कोई सा फंक्शन होता तो उसमें ये कर सकते थे जैसे कि ln x वगैरह, ये रहा यार अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ x स्क्वायर की जगह क्या है देखो, सब जगह किसके फंक्शन आ रहे हैं सोचो, sin x। तो हम थोड़ी देर के लिए, जैसे ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. अब यहाँ पे सब आपको सब जगह क्या दिख रहा है, sin x दिख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसी sin x को हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, x की तरह ट्रीट कर लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ले जाते हैं। बोलो भाई, नहीं समझे, तो इसको हम लिख देते हैं a अपॉन sin x और b अपॉन sin x प्लस 3। अब ये मत कहना कि सर sin x माइनस 1 से 1 होता है तो हम sin x की वैल्यू माइनस 3 कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो सब आपका इशू नहीं, क्योंकि आप इसको एज अ sin x नहीं क्या देख रहे हो बताओ, कैपिटल x, समझ रहे हो कि नहीं भाई। अब बताओ a की वैल्यू सीधा क्या निकालोगे, इस टर्म को मार के इसको सीधा, इस टर्म को हटाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे और सीधा x की जगह sin x क्या रखेंगे, sin x वो ना 2/3 है, सही है ना, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2/3 2/2 है, 2/2 हो गया, अच्छा ये 2 है क्या, ठीक है वो तो चलेगा, तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2/3 आ रही है क्या, 2/3। चलो बी बताओ जैसे तुरंत क्या आएगा, बोलो भाई बी क्या आएगा, -5/ बी में सीधा इसको हटाएंगे
और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे और साइन एक्स को सीधा क्या रख देंगे, माइनस थ्री, तो फाइव बाई माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री। आप देखो इंटीग्रेशन आराम से ब्रेक हुआ कि नहीं, ये वाला cos x into dx आ गया और ये 5 by 3 करते ही dx upon 3 plus sin। अब दोनों इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताओ, ये तो सीधा आ जाएगा, बोलो भाई ln mod 10 x by 2, ये समझते हो कि नहीं, ये इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन। अरे यस सर। और इसको सॉल्व yes. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, वही ब्रेक कर दोगे, वह 1 प्लस 10 स्क्वायर तो sec स्क्वायर x बाई 2 और 2 10 3 10 तो 3 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 10 x बाई 2 प्लस 3 और इसमें 10 x बाई 2 को ही क्या रख दोगे t। देखो ये क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं भाई ये बताओ। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा तरीका है जिसमें बिना सब्स्टिट्यूशन के उस वाले fx को x की तरह ट्रीट करके ब्रेक कर ले। तो चो कैसे, थोड़ी देर के लिए हम वही ट्रीट कर लेते हैं कि यहाँ e की पावर x नहीं क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई e की पावर x नहीं क्या लिखा हुआ है, x, और फिर इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे, नहीं समझे तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 2, इसी को हम लिख देंगे a अपॉन e की पावर x माइनस 1 और b अपॉन e की पावर x प्लस 2। और अब हम a निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, इनको इसको हटाएंगे यहाँ से, मतलब इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल और x को e की पावर x की जगह क्या रख देंगे 1, तो क्या ये 1 बाई 3 आ जाएगा। और b निकालने के लिए क्या करोगे, इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे, e की पावर x प्लस 2 कैंसिल करेंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस 2, तो ये माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा और ये पूरा दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। देखो अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, बोलो भाई। और इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे, ऐसे ये तरीका मैंने बताया है आपको, ये तरीका दिमाग में है कि नहीं सबके, आप इसको टी मानोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव सीधा बन जाता है, बोलो भाई। ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 बाई 3 ln mod 1 माइनस e की पावर माइनस x। अच्छा इसमें 1 प्लस 2 e की पावर माइनस x को t मानेंगे तो e की पावर माइनस x dx क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई 2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये शायद प्लस में आ जाता है, 1 बाई 6 ln mod 1 प्लस 2 e की पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट c, यही आंसर आ जाता है। देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। प्रोसेस समझ में आया, मैंने बताया था ना इसको सॉल्व करने का दूसरा टेक्निक भी है बिना e की पावर x से मल्टीप्लाई किए हुए, क्या ये टेक्निक सबको समझ में आई, ये बताओ। आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, तो ये दूसरा मतलब कैपिटल x मान के पार्शियल फ्रैक्शन करने वाला तरीका सबके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं, कैपिटल x मान के पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका स्ट्राइक कर पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। यस सर। भी आप इसको डील करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये बताओ। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्लास ओवर कर रहे हैं।